सीओ साहब से मैं चाहूंगा इस टूर्नामेंट में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए, हम सबको इस टूर्नामेंट में हम सबको मार्गदर्शन के लिए और हौसला अफजाई करें। दो शब्द के साथ माइक्रोफोन पर मैं चाहूंगा इस जो साहब के लिए तालियां होना चाहिए। चांद भैरव क्लब की ओर से फुटबॉल मैच का आज फाइनल चल रहा है और बहुत ही रंगारंग फाइनल चल रहा है। अभी आप देख रहे हैं बंगाल और झारखंड के बीच में लड़कियों का फाइनल मैच चल रहा है जिसमें टाई ब्रेकर से फैसला हो रहा है और इस फाइनल में पंचाशीन हमारे रेस्पेक्टेड डीडी जी सर फीफा अंडर 17 से सुश्री अष्टम उरावी जिन्होंने अपने देश का नेतृत्व किया है और उनके साथ उनके निजी कोच सोनी कुमारी जी, साथ ही हमारे एसडीपीओ साहब हेडक्वार्टर डीएसपी साहब, हमारे खेल पदाधिकारी, साथ में हमारे खेल प्रेमी पिंटू जी, राजीव पांडे जी और इस आयोजन के अध्यक्ष श्री राम टुकू जी, विकास गौंड यहाँ के लोकल मुखिया जी और तमाम लोग जो इस खेल को सफल बनाने में जिनका हाथ रहा है, आप सबों का और दूर दराज से आए हुए पाकुड़ से हमारे प्यारे ग्रामीण भाई बहनों, हमारे मीडिया के बंधु, आप सभी इस रोमांचक पल के गवाह बनकर यहाँ इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। ये जो हम लोग मैच देख रहे हैं इनका जो प्रिपरेशन है ये तो स्टेट लेवल के मैचों में भी देखने को नहीं मिलता है। इसके लिए पूरी टीम को जितने इतना बढ़िया अरेंजमेंट करके इस गोकुल मैदान में खेल की भावना को सामने लाया है उसके लिए बहुत ही साधुवाद। आप सभी इस रोमांचक खेल का मजा लीजिए और हम भी इस आयोजक कमेटी को शुभकामनाएं देते हैं, जिन टीमों ने भाग लिया उनको शुभकामनाएं देते हैं कि हर साल इसी तरह का अरेंजमेंट आयोजन यहाँ होता रहे और हम लोग इससे अपना एंजॉयमेंट करते रहे और खेल भावना को जिंदा रखते हुए अपने आप को फिट चुस्त दुरुस्त और टीम भाव को अपने मन में संजोग कर रखें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ एक बार पुनः सबका स्वागत करते हुए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, माफ कीजिएगा, अनुमंडल पदाधिकारी एसडीओ साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हम सबका हौसला को बढ़ाया है। अब मैं चाहूंगा हमारे बीच में जिला खेलकूद संघ के हमारे पिंटू जी, वो भी हमारे खिलाड़ियों को और इस टूर्नामेंट को यहाँ हम सबको मार्गदर्शन के लिए मैं चाहूंगा माइक्रोफोन पर आप आए हम सबको संबोधन के लिए। धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। हमारे यहाँ आए हुए मुख्य अतिथिगण, लंबी समय से हम खेल से जुड़े हुए हैं और पाकुड़ में खेल के जुड़े सभी कार्यक्रम में मौका मिलता है हमें आने के लिए। हम सबसे पहले चार भैरव क्लब जो है गोकुलपुर के उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे कि पाकुड़ में एक इतिहास कायम कर दिया इन्होंने। जितने भी तारीफ किया जाए बहुत कम, बहुत ही कम होगा। पाकुड़ जैसे छोटे जगह में चार भैरव क्लब के जो ये प्रतियोगिता तीनों दिनों का संपन्न हुआ काबिले तारीफ है। झारखंड में अपनी एक अलग पहचान बनाई है।
कमी नहीं रखे हैं। मैं विशेष रूप से मुखिया जी का, पूर्व प्रमुख राम जी का और जितने भी सदस्य हैं और यहाँ जो खेल से जुड़े हैं इनका काफी धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस तरह एक कार्यक्रम करके सिर्फ झारखंड में तो किए ही है, पाकुड़ में एक स्वर्णिम अक्षर का इतिहास रचा दिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद पिंटू दास, और आपने जिस तरह से हम लोगों का हौसला बढ़ाया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा उप विकास आयुक्त हमारे डीडीसी साहब हमारे मंच पर विराजमान है, मैं चाहूंगा डीडीसी को लिए जोरदार ताली होना चाहिए हम सबके बीच दो सब रखने के लिए। थैंक यू। सबसे पहले मैं आज इस गोकुलपुर के प्रांगण में इस वर्ल्ड कप का जो ये खेल आयोजन किया गया है फुटबॉल टीम का, मैं उसके आयोजनकर्ता चांद भैरव के आयोजनकर्ता को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना बढ़िया आयोजन किया है और पाकुड़ जिला वासियों को एक मकाम तक पहुँचाया है। मैं यहाँ पर उपस्थित मंच में हमारे बीच एसडीओ साहब, एसडीओपीओ साहब, हेडक्वार्टर डीएसपी साहब, जिला परिषद सदस्य मैडम, खेल प्रेमी श्री पिंटू साहब, राजीव पांडे साहब और विशेष तौर पर फीफा वर्ल्ड कप अंडर 17 के कैप्टन भारत के कैप्टन सुश्री अष्टम राव और उनके निजी कोच, तमाम आयोजनकर्ता, खासतौर से गोकुलपुर के मुखिया साहब, उपमुखिया साहब और तमाम हाजरीन, तमाम पाकुड़ जिला के वासियों, आप लोगों ने देखा ये 3 दिन का आयोजन खेल का कितना खूबसूरत तरीके से यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। बहुत ही पीसफुल तरीके से इन लोगों ने आयोजन किया है, जो शुक्रिया के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। और इस आज के फाइनल मैच में आप सभी इस खेल का मजा ले रहे हैं, खेल का आनंद ले रहे हैं। मैं तमाम उपस्थित सभी सदस्यों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और खास तौर से आयोजनकर्ता को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इतना बढ़िया कार्यक्रम आप लोगों ने आयोजन किया है और इसी तरह से हर साल ये आयोजन होता रहे और ये कामयाबी की राह पर। कुछ भी बजा, बहुत बहुत धन्यवाद डीडीसी साहब, आपने हम सब का इस टूर्नामेंट का, हमारे क्लब का आपने हौसला बढ़ाया है और धन्यवाद के पात्र तो आप सभी हैं कि आप लोगों का प्यार, आप लोगों का जो कृपा दृष्टि है यूं ही हम लोगों को मिलता रहा। आप ही लोगों ने हम सबों को हिम्मत दिया है कि इतने बड़े कार्यक्रम को हम लोग आयोजित कर पाए और इतने विशाल जन समूह को हम लोग जिस तरह से यहाँ मनोरंजन करा रहे हैं, यहाँ कुछ सीख कर जाएंगे, मैं धन्यवाद देता हूँ। और हमारे बीच बहुत सारे अतिथिगण आए हुए हैं, मैं माफी चाहते हुए, और भी समय है, प्राइज वितरण समय में कुछ हमारे और वक्ता बचे हुए हैं, वो भी उन सभी को भी दो शब्द कहने के लिए मौका दिया जाएगा, लेकिन माफी चाहते हुए क्योंकि ये मुकाबला लड़कियों का बहुत एक दमदार पोजीशन में चला गया है, 25,000 और 20,000 का सवाल है और 7 नंबर और 9 नंबर प्लेयर दोनों को जाति का चयन से सम्मानित किया जाएगा दोनों। और ये गोल देवघर की टीम यहाँ पर